सो हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू स्टडी न्यूज़। तो भारत की ओर से पहला सन की स्टडी के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट मिशन भेजा जाएगा इसरो द्वारा। इसके द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को सन के फिजिक्स के बारे में और सन के बारे में समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। सन की स्टडी में उसके फिजिक्स से रिलेटेड अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब भेजा गया है। सूरज का अध्ययन करने वाले जितने भी भारतीय वैज्ञानिक और ग्लोबली वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनको आदित्य L1 द्वारा काफ़ी बेनिफिट होगा। तो जानेंगे आदित्य L1 के बारे में और आदित्य L1 में लगे हुए पेलोड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आदित्य L1 सूरज को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, उसकी स्टडी करेगा, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। इसे PSLV-XL द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो द्वारा डेवलप्ड आदित्य L1 सन मिशन के लिए डेवलप किए गए पेलोड्स और मशीनरी के लिए इन सब इंस्टीट्यूट का भी योगदान रहा है, जिसमें IIA बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता का भी योगदान रहा है। इस मिशन में सूरज के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करने के लिए इस सैटेलाइट में 7 पेलोड लगे हैं। आदित्य L1 को सूरज और पृथ्वी के बीच स्थित L1 लैंग्रेज पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। हमें सूरज के अध्ययन की ज़रूरत क्यों है? देखिए, सूरज से पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के बारे में जानने के लिए, उन्हें ट्रैक करने के लिए और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए लगातार उनके स्टडी करने की ज़रूरत होती है, इसलिए सूरज के अध्ययन किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1 मिशन। देखिए, इसमें 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कोरोनल हीटिंग एंड सोलर वाइंड एक्सेलरेशन को समझना। दूसरा है कोरोनल मास इजेक्शन और पृथ्वी के निकटतम अंतरिक्ष मौसम की प्रक्रिया को समझना। और तीसरा है सन की टेम्परेचर नेसोट्रॉफी को समझना, जिसमें सन लैंग्रेज पॉइंट L1 से सूरज का लगातार ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए, ये एक इमेज है आदित्य L1 की, जिसमें इसमें दिखाए गए हैं कि कौन कौन से पेलोड कहाँ लगे होंगे। आदित्य L1 का टोटल वेट 1500 किलोग्राम है और इसमें 7 साइंस पेलोड लगे हुए हैं और आदित्य L1 की टोटल लाइफ 5 ईयर्स की होगी। इसमें 7 पेलोड की बात करें तो पहला पेलोड है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये सोलर कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और ओरिजिन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये अल्ट्रावायलेट के पास में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग करेगा, जिसकी कैपेबिलिटी 200 से 400 नैनोमीटर की होगी। तीसरा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये सोलर विंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन करेगा। चौथा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सौर हवाओं और उसके वितरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। पांचवा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो एक्सरे लेयर्स की निगरानी करेगा। छठवा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक हाई एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सौर विस्फोट की घटना का अध्ययन करेगा। और लास्ट है मैग्नेटोमीटर, जो सूरज के चुंबकीय क्षेत्र की सटीकता के साथ अध्ययन करेगा। अब बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म में एक लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में दो बड़े पिंडों के पास एक ऐसा स्थान होता है जहां एक छोटा सैटेलाइट या एक छोटी वस्तु दो बड़े पिंडों के बीच में अपना स्थान बनाए रखती है। अब L1 लैग्रेंज की बात करें तो ये पृथ्वी और सूरज के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सैटेलाइट को सेट किया जाता है, जिससे कि वह अपनी स्थिति बनाए रखता है। अगर किसी दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो वहां पर वो किसी ऐसे ग्रह का चक्कर लगाने लगेगा जिसका गुरुत्वाकर्षण उसके ऊपर ज़्यादा होगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है L1।
यहाँ पर सैटेलाइट सेट करने से फ़ायदा यह है कि इसके द्वारा आप सन की प्रत्यक्ष रूप से इमेज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी ग्रह का या चंद्रमा का किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और आदित्य L1 को भी इसी L1 लैग्रेंज पर सेट किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी आदित्य L1 के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।